सभी बीएलईज को गुड इवनिंग। आज एक अच्छी सर्विस सीएससी की आयुष संजीवनी ऐप। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि सीएससी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सीएससी को हमेशा सरकार के द्वारा तरह तरह की सर्विसेज मिलते रहती है। तो अभी एक महामारी में कोविड-19 के दौर में आयुष संजीवनी एक ऐसा ऐप है जिसमें लोगों को आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक उपचार, योगासन और क्या क्या उनको मसालों में यूज करना चाहिए और क्या क्या एडवाइजरी है सरकार की, उसके बारे में इस ऐप में बताया जाता है। तो हर बार बीएलई को इसके लिए कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल करवाना है किसी के भी मोबाइल में जो आपके आसपास के लोग रहते हैं, आपके घर में रहते हैं। प्रति इंस्टॉलेशन आपको 15 रुपये दिया जाएगा और आपको इंस्टॉल करवाने के बाद इसमें एक सर्वेक्षण है कि पब्लिक खुद से जो पहले से योगा करते हैं नहीं करते हैं, और आयुर्वेदिक जो होता है तुलसी, हल्दी, ये सब का यूज करते हैं या नहीं। तो ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा लो नहीं बनाएंगे। बाकी आप जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो काम है, एक तो ऐप इंस्टॉल करवाना और दूसरा आप लोगों को इंट्री करना। जिनको भी आपने ऐप इंस्टॉल करवाया है उनको मोबाइल से रजिस्टर करवाया है, उनका चार चीज़ आपको रखना है, नाम, मोबाइल नंबर, उनका ग्राम और उनका रूरल है या अर्बन। ये चार चीज़ आपको अपने लॉगिन करके, आपको एक वेबसाइट दिया गया है, आपके सीएससी आईडी से वहाँ लॉगिन होगा और उसको भरना है। तो पूरा प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग खुद ये चीज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा आप लोग। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आयुष संजीवनी, ये लिखा मैंने, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। छोटा सा ऐप है, 4 MB का ऐप। इस तरह से ओपन हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। ओपन होने के बाद इस तरह से ये अपना नोटिफिकेशन देगा। यहाँ दो लैंग्वेज है, इसको आप चूज कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश, जो आपको समझ में आता है। मैंने हिंदी चुना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडवाइजरी जो जारी किया है गया है आयुष मंत्रालय की तरफ से, वो लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जारी रखे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए आयुष ये जानकारी दी गई है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई एडवाइजरी का पालन करें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड में स्वास्थ्य देखभाल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, आप स्वयं रक्षा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य उपाय, सामान्य उपाय में ये देखिए, दिन भर गर्म पानी पीना, आयुष मंत्रालय सलाह के अनुसार 30 मिनट योगासन, प्राणायाम करना। तो इस तरह का जो एडवाइजरी है जिससे हम अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इस वायरस से बच सकते हैं, क्या क्या उपाय है आयुष मंत्रालय का, वो हम इस ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और यह ऐप इंस्टॉल कराने का आपको सरकार सीएससी की तरफ से पे भी किया जा रहा है। तो इस समान उपाय भी इसमें है, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या लेना है वो भी इसमें लिखा हुआ है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब का आप बना सकते हैं। काढ़ा, गोल्डन मिल्क बनाकर पी सकते हैं। तो इसलिए लोगों के लिए एक अच्छा ऐप है जिसमें घर के ही चीज़ों से वो अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आयुष स्वास्थ्य रक्षा, ये देखिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो ये ऐप इंस्टॉल करवाने के बाद आपको अब आगे करना है नेक्स्ट। यहाँ पर अगला लिखा हुआ है, अगला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिनका आप इंस्टॉल करवा रहे हैं वो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। जारी रखें, एक OTP आपके नंबर पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे दो विकल्प आएगा, आपको चूज करना है अन्य। अन्य पे आने के बाद स्वयं के लिए सर्वेक्षण, तो यहाँ आपको ये काम जरूर करा लेना है उनके मोबाइल में, सर्वेक्षण करे पे वो क्लिक करें। अब उनका नाम भरेंगे, जैसे जो भी मेरा नाम है, ये भी लिए अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने घर में जितने भी लोग हैं सबका करें।
उसके बाद यहाँ पे पुरुष, राज्य, जिला, इतना भरने के बाद अगला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसको आप भरेंगे। आयुष निवारक उपायों का आप नियमित रूप से कितना पालन करते हैं लगातार? क्या आपने COVID-19 के रोकथाम के लिए आयुष आधारित उपायों का चिकित्सा जीवन शैली बदलाव का उपयोग किया है? हाँ किया है। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे नीचे जो आपको समझ में आएगा वो आप भर सकते हैं, चाहे जो लोग अपना उनका सुझाव होगा वो भरेंगे। कब से यूज़ कर रहे हैं वो पूछा जा रहा है। इससे आप इस आयुष संजीवनी में जो बताया जा रहा उपाय इससे आप सहमत हैं? आपको क्या लगता है फ़ायदेमंद है? हाँ तो क्षमता बढ़ सकती है। इस तरह से ये सर्वे के लिए 5-6 क्वेश्चन है, ये लोगों को भरने के लिए कहना है। उसके बाद भेजे पे क्लिक करें। इस तरह से आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना रेटिंग देख भी सकते हैं या फिर नहीं मैं इच्छुक नहीं हूँ, होम स्क्रीन पर जाएं। इस तरह से एक व्यक्ति का मोबाइल में आपने ऐप का काम कर दिया। आप एलिजिबल हो गए 15 रुपीज़ CSC से प्राप्त करने के लिए। तो आप उसको प्राप्त कैसे करेंगे? अब CSC को कैसे पता चलेगा कि आपने इस व्यक्ति को आयुष संजीवनी ऐप इंस्टॉल करवाया है? तो उसके लिए CSC ने एक लिंक दिया है, आपको अपने क्रोम पे या फिर सिस्टम में भी ओपन कर लीजिएगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हाँ यही है CSCHRY.com। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा, ओपन कर इसको आप अपने सिस्टम में ही ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन में पहले क्लिक कीजिएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आप अपना CSC ID और पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना है। तो जो भी आपका CSC ID है वो डाल लीजिएगा। पासवर्ड आप खुद बना लीजिएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा। भरने के बाद सबमिट कीजिएगा। यहाँ अपना CSC ID, मैंने अभी डेमो भरा है। अब अपना CSC ID और पासवर्ड जो आपको बनाना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड डालिएगा। अपना नाम लिख लीजिएगा, अपना ईमेल ID लिख लीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेकर के सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका ID क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप बैग जाइएगा। बैग जाने के बाद अब यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा। एक BLE का मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से लॉगिन होने के बाद देखिएगा, यहाँ पे 5 चीज़ आपको पूछा जा रहा है, 4 चीज़। सिटीजन नेम, सिटीजन मोबाइल नंबर, सिटीजन लोकेशन रूरल और अर्बन, सिटीजन टाउन विलेज का नाम, सिटीजन ईयर उनका एज कितना है, और जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, यहाँ पे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। इतना चीज़ भरने के बाद आप जैसे सबमिट करते हैं, एक आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ डमी डाटा मत डालिएगा, जिनका आपने इंस्टॉल कराया है उन्हें डालिएगा, तभी आपको CSC द्वारा पर ऐप 15 रुपया मिलेगा। तो इस काम में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सेंटर पे आपके लोग आते ही हैं, चाहे आसपास में आपके बहुत सारे लोग हैं, तो इस पर लग जाइए और अधिक से अधिक लोगों को इंस्टॉल करवाइए और इस ऐप के बारे में अवेयर कराइए, ताकि आपका अर्निंग भी बढ़ सके और यह काम भी अच्छे से हो सके। और किसी समस्या के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।